अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोगों को मेरे चैनल पे तो एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को दोबारा एक बड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन दूंगा और बहुत ही अजीब सी भी शायद आपको कुछ चीज़ें इसमें लगें। उसकी वजह यह है कि आज मैं उन जैसे लोगों के लिए वीडियो बनाई है जो चीज़ लवर हैं। बेसिकली मैं खुद बड़ा चीज़ लवर हूँ, मुझे चीज़ पसंद है। लेकिन आज की वीडियो, मुझे नहीं पता कि आज आप ये वीडियो पूरी देखेंगे उसके बाद शायद आप चीज़ लवर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अलबत्त मैं तो, मेरी तो लिमिटेड चॉइस है चीज़ को लेकर, तो मैं इतनी ज़्यादा भी चीज़ पसंद नहीं करता। खैर, तो आप मेरी वीडियो आज पूरी देखें और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी टॉप वर्ल्ड की चीज़ हैं जो सब पूरी दुनिया में मिलती हैं, क्या पर्पज़ है, किस तरीके से बनती हैं, कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, आप लोग आजकल जितने भी बर्गर चेन्स हैं, खासकर लोकल पाकिस्तान में, चीज़ मेल्ट करके वो बर्गर के ऊपर डाल रहे होते हैं, या फिर स्पेशल चीज़ पैटीज डालते हैं, या बहुत ज़्यादा लोडेड होती चीज़ें तो लोग बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि हमें चीज़ बर्गर चाहिए, हमें चीज़ ये चाहिए, हमें चीज़ वो चाहिए, हमें चीज़ी पिज़्ज़ा चाहिए। अक्सर देखा होगा आपने उसके अंदर से वो तारें सी बन रही होती हैं जब आप पिज़्ज़ा खींचते हैं, तो इस तरीके की लोगों को जो है काफ़ी पसंद आता है। लेकिन आज मैं जिस चीज़ से शुरू करूँगा, सबसे नंबर वन जो चीज़ है वो है लॉर्ड ऑफ द हंड्रेड्स। लॉर्ड ऑफ़ द हंड्रेड्स आपको नाम से ही लग रहा होगा कि बड़ी एक किस्म की शाही किस्म की चीज़ है। तो लॉर्ड ऑफ़ द हंड्रेड जो है, इसकी ये जो है, ये इसकी प्राइस शुरू होती है $20 पाउंड से, यानी जिस तरीके से पाउंड होता है, केक जिस तरीके से मिलते हैं, पाउंड 2 पाउंड से, इसलिए पाउंड वेट है और इस लिहाज से $20 का 1 पाउंड ये चीज़ मिलता है। इसके अलावा ये जो है इंग्लैंड का जो है मशहूर चीज़ है, इंग्लैंड से बनता है, इंग्लैंड से ही दुनिया में ये एक्सपोर्ट भी होता है और जो है वो प्रोवाइड भी किया जाता है। और इंग्लैंड में भी ये ईस्ट ससेक्स, वहाँ पे उनके एक स्टेट है, वहाँ की जो लोकल शीप्स हैं उसके दूध से ये चीज़ तैयार किया जाता है। और ये चीज़ अमूमन जो है ये खुश्क होता है, थोड़ा रस्टी किस्म का होता है, थोड़ा ड्राई होता है, और इसका जो फ्लेवर है वो नटी टाइप का होता है, नट्स जैसा फ्लेवर होता है इसका, और ये ड्राई और शार्प थोड़ी सी चीज़ होती है। अमूमन इस चीज़ को वो लोग सैलड में या फिर अपने डिफरेंट खानों में या पास्ता इस टाइप की चीज़ों में क्यूब्स बना के, या वैसे भी इसको सॉस के साथ भी लोग चीज़ खाते हैं, तो इस चीज़ को ये लोग जो है बेसिकली ड्राई चीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये अमूमन ये मेल्ट जो है वो आसानी से नहीं होती है, इसलिए उसको ये मेल्ट करके चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है ओल्ड फॉर्ड चीज़। ओल्ड फॉर्ड चीज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये चीज़ जो है ये काफ़ी पुरानी हो सकती है, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका नाम ओल्ड फॉर्ड चीज़ क्यों। इसका नाम ओल्ड फॉर्ड चीज़ इसलिए है क्योंकि इस चीज़ को बनाने में तकरीबन 10 साल का वक्त जो है वो दरकार होता है, और 10 साल के अंदर ये चीज़ तैयार की जाती है। इसकी कीमत जो शुरू होती है वो $50 पर पाउंड से शुरू होती है। अब ये $50 को आप अपनी लोकल करेंसी में खुद कन्वर्ट करके देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। और इसमें कोई भी मशीन का जो है वो अमल दखल में शामिल नहीं होता, ये हाथ से ये चीज़ बनाई जाती है, और इसको बनाने में जो गोट है यानी जो बकरी है उसका दूध इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी इंग्लैंड की, यानी इंग्लैंड की नस्ल की जो बकरियाँ होती हैं उसको, उसका दूध इस्तेमाल करके चीज़ बनाई जाती है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि मतलब इसको हाथ से बनाया जाता है, हाथ से बना दिया है कि इसको हाथ से कंप्रेस करके, निचोड़ के, दबा के, जितना आप इसको कंप्रेस कर सकें उस तरीके से ये बनता है, और फिर उसको बहुत सालों तक रखा जाता है। और रखने के बाद फिर कहते हैं कि जिस चीज़ का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और कहते हैं जिसके इस चीज़ का जो टेस्ट है वो थोड़ा सॉल्टी होता है, थोड़ा सेवर होता है, थोड़ा खट्टा होता है, और थोड़ा मक्खन टाइप का इसका जो फ्लेवर आता है, इसको भी मुख्तलिफ चीज़ों में जैसे पास्ता में, सैलड में और दीगर खानों में भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास ये अभी जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये महंगी तरीन चीज़ों में से आती है दुनिया की, और इस चीज़ का नाम है वाइट स्टिल्टन चीज़। वाइट स्टिल्टन चीज़ जो है ये भी ब्रिटिश चीज़ है, क्योंकि चीज़ ज़्यादातर जो है वो मेरे ख्याल रशिया, चाइना और ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर, और इटली वगैरह, यहाँ पे जो है चीज़ फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी जो है वाइट स्टिल्टन चीज़ भी, ये भी ब्रिटिश ओरिजिन चीज़ है, और इसका जो जो फ्लेवर है वो थोड़ा फ्रूटी होता है, और ये इस चीज़ को बनाए भी फ्रूट्स के फ्लेवर से जाता है, जिसके अंदर लेमन है आपका, जिंजर है, एप्रिकॉट, खुमानी वगैरह, और लीमू इसका रस, और बाकी अदर और बहुत सारे किस्म के जो फ्रूट्स हैं उनका फ्लेवर या उनका अर्क लेकर जो है इस चीज़ को तैयार किया जाता है। और ये चीज़ भी खासी 5-स्टार होटल्स और बड़े होटल्स में प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इसका 1 पाउंड जो है वो $400 का है। मीन्स $400 को अगर आप तकरीबन अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 60 से 70 हज़ार रुपये का 1 पाउंड चीज़ बनता है। और इसको भी इसी तरीके से सैलड में या आपके फास्ट फूड के अंदर स्पेशली, या इस चाइनीज़ फूड के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाइट स्टिल्टन चीज़ जो है बेसिकली ये वर्ल्ड मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ में इसका शुमार होता है। सबसे आखिर में जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को जानने के बाद आप शायद चीज़ को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर
नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ वैसे ही इतना महंगा है कि हम जैसे नॉर्मल लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का नाम है प्योर चीज़। प्योर चीज़ जो है ये बेसिकली ये साइबेरिया की चीज़ है, मीन्स ये रशियन ओरिजिन चीज़ है, ये रशिया में इसको तैयार किया जाता है। और वो जिस चीज़ से तैयार होता है उसका नाम है, और जिस चीज़ से तैयार होता है वो है डोंकी। हाँ जी जी हाँ, ये डोंकी है मीन्स गधा, और ये गधे के दूध से तैयार की जाती है ये चीज़। और इस चीज़ और ये डोंकी भी नया किस्म का डोंकी है, कोई आम गधे के गधा नहीं है जिसके दूध से चीज़ तैयार की जाती है। इस गधे को बोलते हैं बेल्कन डोंकी, और ये बेल्कन डोंकी ख़ास रशिया के साइबेरिया में पाया जाता है, क्योंकि साइबेरिया में वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ की ये ख़ास किस्म के गधे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, और जिस तरीके से बर्फानी इलाकों में जो जानवर होते हैं ये गधा भी उसी तरीके का होता है। इसके दूध से जो है ये चीज़ तैयार किया जाता है। अच्छा, और ये बहुत ज़्यादा रेयर है, एक तो एक गधा बहुत कम है वहाँ पे, दूसरा ये कि 25 लीटर का सिर्फ एक किलो चीज़ तैयार होता है, यानी 25 लीटर उस गधे के दूध का सिर्फ एक केजी जो है वो चीज़ तैयार होता है। यानी आप खुद देखेंगे इसको किस तरीके से कंप्रेस करके, किस तरीके से किस प्रोसेस से जो है इस चीज़ को बनाया जाता है, इसलिए ये महंगा भी है। और इसका टेस्ट भी जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी, सेवरी, चीज़ी, बटरी, मक्खन की तरह, और थोड़ा सा स्वीट भी होता है। तो मैंने चखा नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये है वो प्योर चीज़ जो गधे के दूध से तैयार किया जाता है, और ये खासतौर पर रशिया, पूरी दुनिया में बड़े बड़े होटल्स में ये अवेलेबल होता है। अगर आप दुबई या यूएसए के किसी बड़े होटल में अगर आप जाएँ तो प्योर चीज़ आपको आसानी मिल जाएगा। आई डोंट नो, ऑब्वियसली हराम होगा नहीं होगा, बाकी सारी जो चीज़ जो है, जैसे मुख्तलिफ मजाहब के अपने अपने जो हैं फतवे हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मकसद आपको चीज़ के डिफरेंट टाइप्स बताना कि ये जो है सबसे महंगी चीज़ है, और इस चीज़ की प्राइस जो है वो है $500 पर पाउंड से शुरू होती है, और 1500 से $1800 पर पाउंड में जाती है, यानी कि तकरीबन 80,000 रुपए पाउंड से लेकर 1.5-2 लाख रुपए की पाउंड तक आपको चीज़ जाती है। वो डिपेंड करता है वो चीज़ किस तरीके से फॉर्म की गई है और वो क्या चीज़ है। तो गाइज थैंक यू सो मच मेरी आज की वीडियो देखने का, और मैंने आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ का पता है जिसका जो बहुत ही अजीब सी है, या किसी बहुत ही अजीब सी चीज़ से बनाई जाती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह और भी मुझे इस तरह की मज़ेदार इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।